नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल लाल मीणा आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइबर स्टडी में हार्दिक स्वागत करता हूं। डियर लर्नर्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट की दो महत्वपूर्ण टूल रिव्यू टूल और व्यू टूल पर विशेष डिस्कस करने वाले हैं। डियर लर्नर्स, आज की इस ट्यूटोरियल में हम रिव्यू टूल में प्रूफिंग, एक्सेसिबिलिटी इनसाइट्स, लैंग्वेज ट्रांसलेशन, कमेंट्स और पेज लिंक देना सीखेंगे। इसके अलावा हम व्यू टूल के अंदर पेज लेआउट्स, प्रेजेंटेशन व्यू, मास्टर व्यू, पेज सेटिंग, जूम इन जूम आउट, विंडो सेटिंग, मैक्रो जैसी इंपॉर्टेंट टूल्स पर डिस्कस करने वाले हैं। डियर लर्नर्स, इससे पहले मैंने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पर 5 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। आप उन सभी वीडियो को देख लें जिनमें आप फाइल क्रिएट करना, फाइल एडिटिंग करना, टेबल इंसर्ट करना, टेबल डिजाइन देना, टेबल फॉर्मेटिंग करना, पिक्चर्स इंसर्ट कराना, फोटो एल्बम बनाना, हेडर फोटो देना, वर्ड आर्ट बनाना, ऑडियो वीडियो एडिटिंग करना, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना, वाटरमार्क लगाना, बैकग्राउंड कलर देना, पेज डिजाइन करना, ट्रांजिशंस देना, एनिमेशंस देना, स्लाइड सेटअप करना, मीडिया कंट्रोल करना, वीडियो रिकॉर्डिंग करना जैसे इंपॉर्टेंट टूल के बारे में सीखोगे। इसलिए आप उन सभी 5 वीडियो को अच्छे से देख लें और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के इस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट कर लें। डियर लर्नर्स, इसके अलावा मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर MS वर्ड और MS एक्सेल की कंप्लीट प्लेलिस्ट उपलब्ध करा दी है। आप उन वीडियो को देखकर MS वर्ड और MS एक्सेल के ट्यूटोरियल को अच्छे से समझ सकते हैं। डियर लर्नर्स, अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें जिससे आने वाले वीडियो का लिंक आपको सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। अब बिना देरी किए हम आपको ले चलते हैं हमारे कंप्यूटर के मेन स्क्रीन पर, जहां हम रिव्यू टूल और व्यू टूल को डिटेल में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, रिव्यू टूल्स के अंदर हम सबसे पहले देखते हैं स्पेलिंग को। फ्रेंड्स, स्पेलिंग का यूज किसी भी ग्रामेटिकल मिस्टेक को देखने के लिए यूज होता है। अगर कोई जो वर्ड है अगर उसकी स्पेलिंग गलत है तो उसको करेक्ट करने के लिए हम स्पेलिंग का यूज करते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं थेसरर्स का क्या यूज होता है। तो थेसरर्स जो होता है, थेसरर्स क्या होता है, आपको मीनिंग्स प्रोवाइड करवाता है। जो वर्ड आपने लिखा है वेलकम, उससे रिलेटेड जो भी मीनिंग्स होगी, जो भी मीनिंगफुल रिजल्ट्स हैं, जो सिनोनिम्स होंगे वो आपको ये दिखाएगा। इसके अलावा हम यूज करते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी। फ्रेंड्स, चेक एक्सेसिबिलिटी में जो ये वर्ड है, जो आपकी स्लाइड है, उस स्लाइड से रिलेटेड जो भी एरर्स होती है, जो वार्निंग्स होती है, उनको हम प्राप्त करते हैं चेक एक्सेसिबिलिटी में। इसके अलावा फ्रेंड्स हम देखते हैं स्मार्ट लुक क्या होता है। तो स्मार्ट लुक में जो वेलकम है, इससे रिलेटेड जितने भी लुक होंगे, जितने भी इसकी स्लाइड होगी, स्मार्ट स्लाइड्स, वो आपको यहाँ पे इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि आप इनमें से ये वाले वर्ड यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे वेलकम है तो आप जैसे वेलकम पे क्लिक करके आप उसको यहाँ पे वेलकम को देख सकते हो। तो इस तरीके से हम स्मार्ट आर्ट यूज कर सकते हैं। ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल हो। नेक्स्ट हम देखते हैं फ्रेंड्स ट्रांसलेट क्या होता है। तो ट्रांसलेट होता है वेलकम को, जो इंग्लिश वर्ड है, इसको किसी दूसरी भाषा में ट्रांसलेट करना। तो आप यहाँ पे क्लिक कीजिए डाउन एरो पे, और डाउन एरो पे क्लिक करने के बाद में आप वो लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप इसको ट्रांसलेट करना चाहते हो। क्या आप मिनी ट्रांसलेटर चाहते हो, टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना चाहते हो, तो जिस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करना है उसको सेलेक्ट कीजिए और ट्रांसलेट पे क्लिक करके आप जिस लैंग्वेज में कन्वर्ट करना है उस पर क्लिक करके आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, यहाँ से आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, आपको इंग्लिश चाहिए, हिंदी, यहाँ से कमेंट दे सकते हो। जैसे आपको स्लाइड में कमेंट देना है तो न्यू कमेंट पे क्लिक कीजिए और आप जैसे यहाँ पे कमेंट आ गया, आप क्या कमेंट देना चाहते हो, मैंने दिया हाई, तो हाई यहाँ पे कमेंट हो गया और देखो ये कमेंट बॉक्स आ गया। आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो ये कमेंट आपको दिखेगा यहाँ पे हाई लिखा हुआ। फ्रेंड्स, आप इस कमेंट बॉक्स को कहीं पर भी मूव करवा सकते हो अपनी स्लाइड के अंदर। इसके अलावा हम वर्ड पे भी कमेंट दे सकते हैं। आप वर्ड पे क्लिक कीजिए और न्यू कमेंट पे क्लिक कीजिए तो आप यहाँ पे वर्ड पे देखो कमेंट लग गया। आप जैसे आपने इसमें लिखा हेलो, ठीक है, तो ये जो हेलो वर्ड है ये इस पर कमेंट लग गया है। अब आप इस पर जैसे क्लिक करोगे तो हेलो कमेंट आपको डिस्प्ले होगा। आप इसको कहीं पर भी मूव करवा सकते हो, आप कमेंट को सभी को देख सकते हो। आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट कर सकते हो, कमेंट पे क्लिक करो उसको डिलीट कर दो। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देखते हैं कंपेयर। तो कंपेयर फ्रेंड्स होता है इस साइड को किसी दूसरी फाइल के साथ कंपेयर करना। जैसे कि मैं इस फाइल को किसी और फाइल के साथ कंपेयर करना चाहता हूँ, तो मैं जैसे डेस्कटॉप पे जाता हूँ और डेस्कटॉप पे से मैंने जैसे फाइल है और इसका नाम है टेस्ट फाइल्स और दूसरी फाइल है टेस्ट फाइल, तो टेस्ट फाइल को मैं इसके साथ मर्ज करता हूँ। अभी वो इसके साथ कंपेयर होगी और देखो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि स्लाइड फर्स्ट ये है। अब स्लाइड फर्स्ट में अगर आप इसको दूसरी वाले को देखना चाहते हो तो इस पर क्लिक करो। अब आपको जैसे इस पर क्लिक करोगे तो देखो फर्स्ट वाली डिलीट हो गई। अगर आप उसको वापस लाना चाहते हो तो आप इस पर चेकबॉक्स पे अंडू भी कर सकते हो और चेकबॉक्स पे क्लिक करके भी आप उसको
देख सकते हो। दूसरा हम जैसे इसमें इसकी जो और जो मेजर डिफरेंस है उनके बारे में एक एक करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देख सकते हैं फ्रेंड्स, जैसे हमने स्लाइड वन पे क्लिक किया, स्लाइड वन पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे जैसे आप ये चेकबॉक्स करोगे तो देखो ये जो टेस्ट फाइल में जो लिखी हुई थी स्लाइड और स्लाइड यहाँ पे ओपन हो गई है। आप अब इसको अगर इसके साथ मर्ज करना चाहो तो आप इस पर सेटिंग पे आप क्लिक करके इसको इसके साथ मर्ज कर सकते हो। मतलब इसमें आप इसको कंपेयर कर सकते हो कि फाइल की जो प्रेजेंटेशन की जो स्लाइड्स थी वो कैसी थी और इस प्रेजेंटेशन की स्लाइड किस तरीके की है, आप इनको इस तरीके से कंपेयर कर सकते हो। फ्रेंड्स अगर आपको कंपेयर को एक्सेप्ट करना है तो आप एक्सेप्ट पे क्लिक करके क्लिक कर सकते हो। अगर एक्सेप्ट ऑल चेंजेस करना है तो देखो जैसे कि आपने अभी फाइल आपकी टेस्ट फाइल्स खुल रही है जबकि आपने जो टेस्ट फाइल वाला जो स्लाइड थी वो आपने यहाँ पे यूज कर ली। अगर आपको रिजेक्ट करना है तो आप रिजेक्ट पे ओल्ड रिजेक्ट पे क्लिक करोगे तो जो टेस्ट फाइल्स की जो स्लाइड्स थी वो आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगी। फ्रेंड्स इसी तरीके से आप प्रीव्यूस नेक्स्ट देख सकते हो, ये सब कंपेयर के ही ऑप्शन है। एंड रिव्यू कर सकते हो और आप इसको नोट नीचे नोट्स लिंक करवा सकते हो। जैसे आप लिंक नोट्स पे क्लिक करते हो तो आपके सामने एक यहाँ पे जो वन नोट है उसका पेपर आपके सामने ओपन हो गया। अब आपको जो भी नोट में इसमें डालना है वो आप इसमें डाल सकते हो। फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसके अंदर नोट भी लगा सकते हैं। अभी मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम इसमें नोट्स लगा सकते हैं। व्यू अगर टूल्स में हम देखें तो नॉर्मल व्यू में आप इस तरह डिस्प्ले हो रही है, आउटलाइन व्यू इसमें देख सकते हो, ये जो इस साइड में जो भी स्लाइड आपको दिख रही है आउटलाइंस व्यू में डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। अगर हम स्लाइड शॉर्टर में देखना चाहें तो हम इसकी पोजीशन चेंज करना चाहते हैं, जिस स्लाइड को जहाँ पे बिठाना है आपको आप वहाँ पे उस स्लाइड को रख सकते हो। इनके टाइमिंग भी आपको दी हुई है 2 सेकंड 2 सेकंड 6 सेकंड। और नोट पेज के अंदर हम बात करें तो नोट पेज के अंदर भी हम इसमें स्लाइड का देख सकते हैं, यहाँ पे हम नोट भी डाल सकते हैं। इसके अलावा हम रीडिंग व्यू में देखते हैं। फ्रेंड्स रीडिंग व्यू में हम नोट्स दे सकते हैं। अच्छा रीडिंग व्यू के अंदर हम इसको रीडिंग व्यू में देख सकते हैं फुल विंडो, जिसे हम कहते हैं स्लाइड शो, तो स्लाइड शो में हम इसको देख सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे इसको स्लाइड मास्टर क्या होता है। तो स्लाइड मास्टर के अंदर हम इसकी जो बहुत सारे इसके व्यूज हैं उन व्यूज को हम एक साथ देख सकते हैं। इसके अंदर हम हेडर फुटर लगा सकते हैं, डेट लगा सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, फुटर दे सकते हैं, हेडर दे सकते हैं। फ्रेंड्स ये सारे पार्ट्स जो हैं स्लाइड मास्टर के पार्ट है। आप यहाँ पे क्लोज मास्टर व्यू पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हो। नेक्स्ट हम व्यू में नेक्स्ट फीचर देखते हैं हैंडआउट मास्टर, ये इसी का पार्ट है। नोट्स इसमें दे सकते हो आप। रूलर का मतलब ये जो बार, ये जो आपको रूलर बार दिख रही है रूलर बार रूलिंग बार है। इसके अलावा ग्रिड लाइंस दे सकते हो इसमें, जैसे कि अभी आपके सामने ग्रिड लाइन डिस्प्ले हो रही है, अगर नहीं देखना चाहते हो तो चेकबॉक्स पे अनक्लिक करके इसको हटा सकते हो। अगर आप रूलर बार को बैठाना चाहते हो तो रूलर पे अनक्लिक करके इसको हटा सकते हो। अगर गाइडेड लाइंस देना चाहते हो तो देखो इस तरीके से आप गाइडेड लाइंस में दे सकते हो। अगर आप इसका जूम बढ़ाना चाहते हो तो इस पर क्लिक करके आप इसका जूम बढ़ा सकते हो, जैसे 100% या 200% इसका जूम बढ़ाना चाहते हो तो इस तरीके से आप जूम बढ़ा सकते हो। फिट टू विंडो करना चाहते हो तो फिट टू विंडो पे क्लिक करके आप वैसे ही कर सकते हो जैसे पहले इसकी पोजीशन थी। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम कलर पे क्लिक करके इसका कलर प्रिंट देख सकते हो जो अभी पहले से ही है। अगर आप इसको ग्रे स्केल में देखना चाहो तो ग्रे स्केल में देख सकते हो। बैक टू व्यू पे आप यहाँ पे देखो बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आप किस तरीके से इसको देखना चाहते हो। बैक टू कलर व्यू पे जाना चाहो तो बैक टू कलर व्यू पे आप क्लिक करके वहाँ पे जा सकते हो। फ्रेंड्स एक मिनट में इसको नॉर्मल व्यू में कर लेता हूँ, अभी ये नोट पेज में है। तो नॉर्मल व्यू में इस तरीके से है, आप इसको ग्रे स्केल में नहीं देखे ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहो तो ब्लैक एंड व्हाइट में भी आप इसको इस तरीके से देख सकते हो। और भी इसमें काफ़ी फॉर्मेटिंग आपको मिल जाती है। फ्रेंड्स अगर आप ग्रे स्केल में भी दोबारा से अगर देखना चाहो तो देखो इस तरीके से ग्रे स्केल में दिखेगा, और कलर मोड में तो पहले से ही है तो उसमें करने की जरूरत ही नहीं है, अभी कलर मोड में है। आप न्यू विंडो भी ओपन कर सकते हो, न्यू विंडो पर क्लिक करके आप नई विंडो ओपन कर सकते हो। जैसे कि सेम टू सेम टेस्ट फाइल वन थी पहले, अब टेस्ट फाइल टू नाम की नई विंडो ओपन हो गई, अब हमारे पास दो फाइल ओपन हो गई है, ठीक है। इस तरीके से देखो दो फाइल आपके सामने ओपन हो गई है। फ्रेंड्स नेक्स्ट हम देखेंगे विंडो के साथ हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो आप इसको अरेंज ऑल पे क्लिक करके इनको दोनों को एक साथ देख सकते हो, जैसे इसको भी देख रहे हो इसको भी देख सकते हो। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है कि आप इसमें और क्या कर सकते हो, तो और का आप इसके अंदर जैसे ऑप्शन है आपको पास जैसे कास्केड कर सकते हो, तो कास्केड का देखो इस तरीके से ही है। फ्रेंड्स नीचे देखो मैंने अभी जो वेलकम वाले विंडो सर्च की थी तो वेलकम के देखो इतने सारे इसमें लुक स्मार्ट लुकअप दिख रहे हैं, तो आप यहाँ से स्मार्ट लुकअप को वेलकम यहाँ पे इंसर्ट करवा सकते हो। तो फ्रेंड्स हम नेक्स्ट चर्चा कर रहे थे तो इस पर बात करते हैं हम
मूव स्प्लिट कैसे कर सकते हैं? तो मूव स्प्लिट में स्प्लिट हो, जैसे एक विंडो एक साथ स्प्लिट हो गया, आधी ऊपर आधी नीचे, तो उसको आप मूव करवा सकते हो, कास्केड में एक दूसरे को हाइड करती हुई दिखाई देगी। फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस चैनल को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें और इसको अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा सकें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।